स्पाइसी चिकन ड्राई फ्राई। चिकन देख सकते हैं। हाय माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं स्पाइसी चिकन ड्राई फ्राई की एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही क्विक और सिंपल रेसिपी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मसाला रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्च ले रही हूँ, तो इसको पीस लेंगे। और इधर मैंने एक प्याज स्लाइस करके रखा है और टमाटर और हाफ प्याज इसको बड़ा टुकड़ा में काट के रखा है। और इधर देख सकते हैं चिकन, जो कि मैंने छोटे छोटे करके काट लिया है। और इधर जो मसाला है इसको भी रेडी कर लिया है, दरदरा पीस लिया है। तो कढ़ाई गर्म हो गया है, इसके बाद इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। तो सबसे पहले मैं आलू को फ्राई कर लूँगी थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के। और मुझे आलू पसंद है इसलिए मैं आलू ऐड कर रही हूँ, आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। तो इधर आलू फ्राई होने के बाद दिखा रही हूँ। तो उसी तेल में अभी इसमें दालचीनी, इलायची और दो सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा भून लेंगे, इसके बाद इसमें ऐड करेंगे स्लाइस किया हुआ प्याज। तो इसे भून लेंगे। ये देख सकते हैं प्याज भून जाने के बाद दिखा रही हूँ। अभी इसमें डालेंगे चिकन, तो इसे अच्छे से मिला लेंगे। अभी इसमें डालेंगे प्याज और टमाटर, जो कि बड़ा साइज करके काट के रखा था, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। और गैस का फ्लेम लो करके रखा है। अभी इसमें डालेंगे दरदरा किया हुआ पीसा हुआ अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और अभी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे आलू, अगर आप लोगों को आलू खाना पसंद नहीं है तो आलू को आप लोग स्किप कर सकते हैं, मैं ऐड कर रही हूँ। बाकी इधर देख सकते हैं इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था। उसके बाद इसमें फ्राई किया हुआ आलू ऐड कर रही हूँ, क्योंकि चिकन छोटा छोटा करके पीसेस किया है और आलू फ्राई किया है लेकिन ये कच्चा है। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद, दो तीन मिनट भून जाने के बाद इसमें ऐड कर रही हूँ जीरा, धनिया और लाल मिर्च का पाउडर। तो लाल मिर्च मैं कश्मीरी चिली पाउडर ले रही हूँ। तो इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये चिकन देख सकते हैं भून गया है। भून जाने के बाद आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको पूरा ड्राई कर लूँगी और इसको भून लूँगी। तो ये देख सकते हैं चिकन भून गया है, अच्छे से बॉयल भी हो चुका है। तो हमारा चिकन बन के रेडी हो गया है। लंच रेडी कर लिया है, चावल और ये चिकन फ्राई। तो अभी टेस्ट करके आप लोगों को मैं बताऊंगी। सो आलू के साथ और थोड़ा सा मसाले के साथ टेस्टी और स्पाइसी। चिकन देख सकते हैं।